यूनिक से मिल फिर से एक बार कुछ नया और यूनिक करने जा रहे हैं। गाइस हम सब अभी कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को लेके आ रहे हैं यूनिक से मिल प्लेटफॉर्म्स पे, आप लोगों के लिए स्टार्ट टू एंड एक प्रोजेक्ट को कैसे फिनिश करना है ये समझने के लिए, सो दैट यू कैन गेट मोर आइडिया कि अच्छा इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे करना है। ऑलरेडी स्ट्रक्चर्स के बारे में, बीम के बारे में मैं आप सबको सफिशियंट नॉलेज दे देता हूँ, आगे भी देता रहूँगा क्योंकि मेरा खुद का 7 साल का एक्सपीरियंस है। बट अब समय आ गया है थोड़ा सा यूनिक सिविल फैमिली को बड़ा करते हैं, तो आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनना है। आज मैं पहला इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आप सबके बीच ले आ रहा हूँ जो कि है आनंद रेड्डी सर, और ये आपको MSP पर ट्रेंड करेंगे। किस पे? माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट पे। स्टार्ट टू एंड माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट बहुत ही हेल्पफुल है, चाहे आप साइट इंजीनियर हैं चाहे आप बीम इंजीनियर हैं, आपको MSP की नीड पड़नी ही पड़नी वाली है। तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट को स्टार्ट कैसे करना है, कैसे प्रोजेक्ट सबमिट करना है, पूरा एक बड़ा सेशन है आपके साथ आज पहली बार शेयर करने जा रहे हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिए पूरे लेक्चर्स को, उसके बाद नीचे कमेंट करिए कि आपको आनंद रेड्डी सर का लेक्चर कैसा लगा। अगर आप लोगों का वैल्यूएबल फीडबैक अच्छा लगा तो डेफिनेटली आनंद रेड्डी सर को प्राइमेरा का भी बहुत ही अच्छा नॉलेज है, तो ऐसे ढेर सारे सॉफ्टवेयर को जो जो इनकी एक्सपर्टीज होगी वो आपके बीच में लाएंगे। साथ ही साथ सबसे अच्छी चीज़, अगर आप भी किसी इंडस्ट्री में एक्सपर्ट हैं, आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, आपको लगता है कि मैं इस स्किल में सर एकदम परफेक्ट हूँ, बहुत ही अच्छी इनकम के साथ आपको ऑफर किया जाएगा, आप यूनिक सिविल में अपना मेल कर सकते हैं akash.pandey476 पे, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप किस में एक्सपर्ट हो अपना काम दिखाइए, बट काम एकदम क्वालिटी वाला होना चाहिए, आप डेफिनेटली हमारे तरफ से बहुत अच्छा गिफ्ट पाओगे, तो आप भी जुड़ सकते हो। पर आज पहले जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो है आनंद रेड्डी सर, तो इनसे स्वागत करिए और इनका स्वागत करके बताइए कि सर का स्टाइल कैसा लगा आपको पढ़ाने का, समझ में आ रहा है डाटा, तो जैसे आपको आप लोग फीडबैक देंगे वैसे ही हम लोग आगे काम को कंटिन्यू करेंगे। तो ये यूनिक सिविल का पहला कुछ यूनिक काम है जिसमें मेरे अलावा कोई और इंट्रोड्यूस मैं कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली अगर आप लोग प्यार देंगे धीरे धीरे इस फैमिली को बड़ा करेंगे दोस्तों। और डेफिनेटली आप लोगों ने प्यार जब 30K किया था तभी मेरे दिमाग में आ गया था कि ऐसा कुछ करना है, और अब तो आपके बीच में आनंद रेड्डी सर हैं, बताइए कैसा लगा, उसके बाद डेफिनेटली दूसरा कुछ प्लान करेंगे, आपको किस सॉफ्टवेयर के बारे में स्टार्ट टू इन जानना है MSP के अलावा वो भी नीचे कमेंट कर सकते हैं, सो दैट कि नेक्स्ट जो एक्सपर्ट होंगे मैं उनके वही एक्सपर्ट लेके आऊँगा जिसकी आपकी आवश्यकता होगी। चलिए वॉच करिए, वॉच करके एक एक बच्चे का मुझे फीडबैक चाहिए, अगर फीडबैक नहीं दिया तो माता रानी पाप लगाएंगी, मतलब फीडबैक जरूर देना कि आनंद रेड्डी सर का लेक्चर कैसा लगा, सो दैट वी कैन गेट आइडिया कि आपको कैसा लगेगा अगर मैं इंडस्ट्री के ढेर सारे एक्सपर्ट आपके प्लेटफॉर्म पर लेके आऊँगा। तो चलिए बच्चों, जैसे आप लोगों ने सपोर्ट किया है फिर से सपोर्ट दिखाइए, पहले लेक्चर वॉच करिए, अच्छा लगे तो अच्छा बोलिएगा, बुरा लगे तो बुरा बोलिएगा, बट जेन्युइन और सच ही कमेंट करिएगा। तो चलिए भैया देखिए आप लोग फिर बताइए हमको, फिर आगे डिसीजन लेते हैं क्या हो सकता है। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ आनंद रेड्डी, और आज हम देखने वाले हैं MSP सॉफ्टवेयर। MSP सॉफ्टवेयर का एक्चुअली प्रैक्टिकली यूज क्या है, हमें मालूम था एक्चुअली MSP सॉफ्टवेयर है, बट एक्चुअली उसका प्रोजेक्ट पे हमारे यूज कैसे करना है। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द एक्चुअल यूज ऑफ द MSP सॉफ्टवेयर, ओके, और उसका यूज करके रिपोर्ट्स कैसे फॉर्म किया जाता है। सो वी विल सी द जस्ट एग्जांपल ऑफ द प्रोजेक्ट। यस, सो यू कैन सी नाउ बाय यूजिंग द MSP सॉफ्टवेयर हम ऐसे पूरा एक रिपोर्ट फॉर्म कर सकते हैं, राइट। यू कैन सी देयर इज अ रिसोर्स ओवर यू, टास्क कॉस्ट ओवर यू, मतलब पूरा जो बजटिंग का है ना कि कितना कॉस्ट लगने वाला है, कितना आगे जाकर लगेगा फिर से हमें, ओके, अब तक कितना खर्चा हुआ है, रिमेनिंग काम कितना बाकी है, रिमेनिंग कॉस्टिंग कितना बाकी है, फिर से बाय यूजिंग द MSP सॉफ्टवेयर हम ये पूरा रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, बस हमें इनपुट देना है, ओके, और क्या करना है एक्चुअली प्रैक्टिकल वाइज हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट को अपडेट करते जाना। सो वी विल गेट द ऑल द रिपोर्ट्स। सो अगर आपको सीखना है कि ये कैसे रिपोर्ट जनरेट किया जाता है, देन लेट स्टार्ट दिस, ओके। सो वी विल क्लोज दिस एंड देन ओपन द MSP सॉफ्टवेयर। यस, सो व्हेन वी ओपन द MSP सॉफ्टवेयर देर इज ऑलवेज वन यूजर इंटरफेस ऑफ द एवरी सॉफ्टवेयर, हर एक सॉफ्टवेयर का एक यूजर इंटरफेस रहता है, दैट इज वेलकम पेज। सो ये वेलकम पेज पे हमें क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। सो फॉर दैट यू कैन सी देर इज अ रिसेंट ऑप्शन, अगर हमारा जो भी रिसेंट काम रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, बट हमें क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। सो जस्ट सिंपली क्या करना है, जस्ट ब्लैंक प्रोजेक्ट पे क्लिक करना, ओके। सो बिफोर स्टार्टिंग द MSP सॉफ्टवेयर विल डिस्कस सम प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ द MSP सॉफ्टवेयर, ओके। सो वी नो कि अगर आपको साइट पे अगर काम कर रहे हैं, आपको बस साइट का नॉलेज है, आप साइट पे एज अ साइट इंजीनियर जॉब कर रहे हैं, एज अ मैनेजर जॉब कर रहे हैं, एज अ प्लानिंग इंजीनियर जॉब कर रहे हैं, तो आपको MSP सॉफ्टवेयर मालूम होना चाहिए,
क्यों? क्योंकि इसमें क्या करते हैं, हर एक टास्क को प्लान करते हैं। हमें मालूम है कि प्रोजेक्ट में बहुत सारी एक्टिविटीज रहती है, बहुत सारी। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल ले लें हमारे पर्सनल काम का, अगर एक भी अगर काम कर रहे तो हम क्या करते हैं, उसे प्लान करते पहले कि हाँ इस दिन मुझे उस टाइमिंग पे वहाँ पे जाना है और काम करना है, जस्ट फॉर वन एक्टिविटी। अगर बहुत सारे मल्टीपल एक्टिविटीज हो तो क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और इट्स सेम अबाउट आवर प्रोजेक्ट। हमारे प्रोजेक्ट में बहुत सारी एक्टिविटीज रहती है, फ्रॉम साइट परचेसिंग टू फिनिशिंग लेवल, बहुत सारी एक्टिविटीज रहती है। तो हर एक एक्टिविटी का हमें हमारे माइंड में स्टोर करना, डेटा, इट्स नॉट पॉसिबल। सो फॉर दैट रीजन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने यह सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, कि कैसे इसका यूज करके हमारे प्रोजेक्ट को क्या किया जाता है, प्रॉपरली प्लान और शेड्यूल किया जाता है। प्रोजेक्ट को हम प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, उसका अर्न वैल्यू एनालिसिस चेक कर सकते हैं। ओके, सो द बेसिक नीड ऑफ द एमएसपी सॉफ्टवेयर, दैट इज वी हैव टू शेड्यूल द कैलेंडर। अगर आप प्रोफेशनल है तो वी नो कि हर एक कंपनी का एक वर्किंग टाइम रहता है, राइट? तो एज पर वर्किंग टाइम, वर्किंग शेड्यूल, हमें क्या करना है, एक कैलेंडर क्रिएट करना पड़ता है एमएसपी सॉफ्टवेयर में। ओके, तो जो भी टाइम रहेगा आपका कंपनी का, राइट, 10 to 7 रह सकता है, 8 to 5 रह सकता है, देन 12 to 9 रह सकता है, इट्स डिपेंड्स ऑन द कंपनी। वर्किंग आवर्स रहते कि कितना डे में टोटल वर्किंग आवर्स कितने, लाइक 8 आवर्स रहता है उसमें, देन 1 आवर का लंच ब्रेक रहेगा, टोटल 9 आवर्स होते हैं उसमें। देन कंपनी का हॉलीडेज कब आते हैं, वीकेंड का कब ऑफ होता है, सैटरडे संडे ऑफ है या ओनली संडे ऑफ है, देन फेस्टिवल पे कब ऑफ है कंपनी के लिए। ओके, ये पूरा हमें क्या करना है, पहले ही शेड्यूल क्रिएट करना है कंपनी का, क्योंकि ऑब्वियसली जो वर्किंग टाइम रहेगा उसी में पूरा एक्चुअली क्या होगा, परफॉर्म होगा, राइट? सो फॉर दैट व्हेन वी ओपन द सॉफ्टवेयर, ये पूरा एक वर्क स्पेस है, हमें क्या करना है, यही पे पूरा क्या करना है, काम करना है, राइट? इसे हम कहते हैं ज्ञान चार्ट। सो बिसाइड ऑफ द ज्ञान चार्ट, दिस इज द बार चार्ट, मतलब जो भी हमारा टास्क है ना, कैसे स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। ओके, सो द फर्स्ट टास्क और द फर्स्ट कंटेंट वी आर गोइंग टू लर्न टूडे, दैट इज कैलेंडर्स, कि कंपनी का वर्किंग शेड्यूल है हमें सॉफ्टवेयर में कैसे सेट करना है, क्योंकि ऑब्वियसली जो कंपनी का वर्किंग शेड्यूल रहेगा वही हमें क्या करना है, सॉफ्टवेयर में भी सेट करना है, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा उसमें। अगर आपका कंपनी काम कर रहा है 10 to 7 तो उसी के हिसाब से आपको क्या करना है, टाइम सेट करना। अगर आपका इन बिटवीन 2 to 3 लंच ब्रेक है तो आपको भी लंच ब्रेक यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। ऑब्वियसली अगर लंच ब्रेक है तो क्या रहेगा, काम वहाँ पे बंद रहेगा। ओके, सो लेट्स सी देन। सो दिस इज द एक बेसिक यूजर इंटरफेस ऑफ द सॉफ्टवेयर, जहाँ पे ये जो टूल्स है, लाइक इन टास्क देर ऑल द कमांड्स आर रिलेटेड टू द टास्क। द नेक्स्ट ऑप्शन है रिसोर्स। रिसोर्स मतलब क्या होता है कि एक्चुअली जो भी हम काम करने वाले ना, उसके लिए हमें लेबर्स कितने रिक्वायर्ड है, हमें वहाँ पे मटेरियल कितना लगने वाला है, ये पूरा क्या करना है, हमें क्रिएट करना। ओके, सो विल डिस्कस वन टू वन, विल फर्स्ट स्टार्ट विद द कैलेंडर्स। सो गो टू द प्रोजेक्ट। ओके, सो इन प्रोजेक्ट देर इज ऑप्शन कॉल्ड चेंज वर्किंग टाइम। अब कैसा है ना, पूरे जो वर्ल्ड है ना उसमें 3 मेन कैलेंडर्स है, आपको मैं बताता हूँ, दैट इज थाई बुद्धिस्ट कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर एंड देन ग्रेगोरियन कैलेंडर। आई विल शो यू कि कहाँ पे वो कैलेंडर्स है। एक्चुअली गो टू द फाइल्स, गो टू द ऑप्शंस, सो यू कैन सी देर इज अ डिस्प्ले ऑप्शन। सो डिस्प्ले में जाना है और आपको यहाँ पे देखना है, यू कैन सी यहाँ पे 3 कैलेंडर्स लिस्ट आउट है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर एंड थाई बुद्धिस्ट कैलेंडर। अब हम कौन सा कैलेंडर यूज करने वाले, हमारे पास मोबाइल फोन से, लैपटॉप से, पीसीज है, बट वी डोंट नो कि हम कौन सा कैलेंडर ग्लोबली यूज कर रहे हैं अभी इंडिया में। एनीवन नो, हमें आइडिया भी नहीं है। सो बट वी यूज द ग्रेगोरियन कैलेंडर राइट नाउ इन आवर फोन्स, इन पीसीज एंड लैपटॉप, ग्रेगोरियन कैलेंडर सेट है अभी, राइट? अभी ग्रेगोरियन कैलेंडर में भी 3 सब टाइप्स है। ओके, सो गो टू द चेंज वर्किंग टाइम एंड जस्ट क्लिक हियर। सो यू कैन सी देर इज 3 ऑप्शंस और 3 टाइप्स ऑफ द ग्रेगोरियन कैलेंडर, दैट इज अ 24 आवर्स कैलेंडर, नाइट शिफ्ट कैलेंडर एंड स्टैंडर्ड कैलेंडर। अभी 24 आवर्स मतलब क्या रहेगा, पूरा 24 आवर्स वर्किंग, जो मोस्टली मैकेनिकल के यूज करते हैं, जो मोस्टली मशीनरीज के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। देन नेक्स्ट इज, दैट इज नाइट शिफ्ट कैलेंडर, देन नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड कैलेंडर। ओके, डिपेंड्स ऑन द कंपनी और डिपेंड्स ऑन द वर्किंग शेड्यूल ऑफ द कंपनी। ओके, सो जो मेन पर्पज है ना कैलेंडर का, क्योंकि अगर कैलेंडर हमें कंपनी के हिसाब से सेट करेंगे तभी क्या होगा, हमारा पूरा
पूरा जो वर्क है एज पर साइट यहाँ पे क्या होगा, रन होगा। दिस इज द मेन रीजन वी हैव टू सेट द कैलेंडर। ओके, सो अभी बाय डिफॉल्ट एक कैलेंडर सेट है, दैट इज स्टैंडर्ड कैलेंडर। उसमें टाइमिंग सेट रहेगा और जो भी वर्किंग रहेगा वो रहेगा 8 आवर्स का, पर सैटरडे संडे यहाँ पे ऑफ रहेगा। यू कैन सी यहाँ पे सैटरडे और संडे थोड़ा डार्क कलर में दिख रहा है, राइट। मतलब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वर्किंग सेट है 5 डेज का वर्क वीक है एंड देन 2 डेज का वीकेंड है, राइट। सो बट इफ यू वॉन्ट टू चेंज द कैलेंडर, हम क्या करना है, सैटरडे तक वर्किंग करना है और संडे तक क्या करना है, संडे बस नॉन हॉलीडे करना है, मतलब हॉलीडे करना है। ओके, सो गो टू द वर्क वीक्स, जस्ट क्लिक ऑन डिटेल्स। ओके, तो हमें क्या करना है, बस संडे को नॉन वर्किंग करना है। सो जस्ट सेलेक्ट द संडे, से सेट डेज टू द नॉन वर्किंग टाइम। ओके, और सैटरडे तक हमें क्या करना है, वर्किंग सेट करना है। जस्ट वन बाय वन सेलेक्ट करते जाओ सिंपली और वर्किंग टाइम कर दो। ओके, देन वी कैन सी यहाँ पर हम टाइम भी सेट कर सकते हैं। अभी टाइम बाय डिफॉल्ट कौन सा सेट है, दैट इज 8 to 5, 17 मतलब 5, 12 to 1 लंच ब्रेक रहेगा, 12 to 1 और 1 to 5 अगेन वर्किंग रहेगा, बट हमें टाइम चेंज करना। हम क्या करना है, 10 to 7 टाइम सेट करना। जस्ट बैक स्पेस कर लो, 10 पुट करो, 10 to 2 हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे, तो 14 पुट करना है यहाँ पे। 2 to 3 हम क्या करेंगे, लंच ब्रेक करेंगे हमारी कंपनी का। फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी का टाइम यही सेट है, आपका जो वर्किंग शेड्यूल है आपकी कंपनी का ये सेट है, दैट इज 10 to 7। तो 2 to 3 आपका लंच ब्रेक रहेगा, जस्ट 15 डाल दो यहाँ पे एज अ 3, और 3 to 7 हम करेंगे वर्किंग, दैट इज 19। जस्ट क्लिक कर दो यहाँ पे एंड देन जस्ट सेव। ओके, सो यू कैन सी नाउ यहाँ पे अभी बस क्या आ चुका है, संडे नॉन वर्किंग आ चुका है और बाकी सारे डेज क्या आ चुके हैं, यहाँ पे वर्किंग आ चुके हैं। तो ऐसे हम हमारा खुद का कैलेंडर भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे हमारी कंपनी के हिसाब से। ओके, सो नेक्स्ट हमें पार्ट करना क्या करना है, हॉलीडेज ऐड करने हैं। वी नो कि हर एक कंपनी में कौन सा तो हॉलीडे क्या करना है हम मनाते हैं, लाइक इंडिपेंडेंस डे हो, रिपब्लिक डे हो सकता है, नेशनल हॉलीडे, गांधी जयंती हो सकता है, दिवाली की छुट्टियां हो सकती है, क्रिसमस हो सकता है। जस्ट विल आई विल गिव यू द वन एक वन एग्जाम्पल। ओके, गो टू द एक्सेप्शंस। अब क्या होता है, अभी जो नेक्स्ट आ रहा है दैट इज 15th of August, दैट इज इंडिपेंडेंस डे। उस दिन क्या करना है, हर एक कंपनी का काम बंद रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपके कंपनी में भी उस दिन हॉलीडे है। ओके, जस्ट टाइप हियर एज अ इंडिपेंडेंस डे, ओके, देन गो टू द स्टार्ट। अब स्टार्ट कहाँ पे होने वाला है उसका, 15th of August। सो उस डेट पे जाओ, यहाँ पे क्लिक करो, अगस्त कौन सा रहेगा, दैट इज 15th of August। वो जो हॉलीडे है ना उसी दिन स्टार्ट होना चाहिए और उसी दिन एंड होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे रेड आ चुका है, कैन सी अब इस पे क्या रहेगा, पूरा वो नॉन वर्किंग रहेगा, मतलब पूरा छुट्टी रहेगा उस दिन। सो दिस इज हाउ वी कैन ऐड द हॉलीडेज, हम ऐसे हॉलीडेज ऐड कर सकते हैं, राइट। देन अगेन वी नो कि हर एक कंपनी में लाइक बैंक हॉलीडेज रहते हैं, सेकंड सैटरडे ऑफ रहता है, थर्ड सैटरडे ऑफ रहता है, तो उसके हिसाब से भी हम यहाँ पे हॉलीडेज क्रिएट कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द कंपनी एक्चुअली। ओके, बट हमें क्या करना है, बस अभी इंडिपेंडेंस डे का है और जो पूरा जो डेटा है ना ये एचआर के पास अवेलेबल रहेगा, क्योंकि जब न्यू ईयर स्टार्ट होता है ना तभी ये पूरा हॉलीडेज का जो भी डेट्स है ना वो सेट होता है कि कितने हॉलीडेज होल ईयर में हम मनाने वाले कंपनी में। ओके, सो देन से ओके। सो वेन वी सी द ओके, वी कैन सी यहाँ पे जो बार चार्ट है ना वहाँ पे संडे थोड़ा डार्क हो चुका है, राइट। मतलब संडे नॉन वर्किंग रहेगा और बाकी जो रिमेनिंग 6 डेज है ना वो रहेंगे हमारे वर्किंग डेज, और यहाँ पे डेट भी यहाँ पे मेंशन है, दैट्स हाउ इजीली इट इज। बस हमें क्या करना है, समझना है यूजर इंटरफेस की कहाँ पे क्या हमें क्या कर रहा है, शो कर रहा है, और कहाँ पे कौन सा कमांड कैसे वर्क कर रहा है। बस हमें क्या करना है, प्रैक्टिकली इनपुट देना है बस, और उसी के हिसाब से हमें क्या करना है, पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करना है। अब कैलेंडर तो सेट हुआ, राइट। तो हमें क्या करना है नेक्स्ट, हम क्या करना है, टास्क क्रिएट करने, हाउ टू क्रिएट द टास्क। ओके, सो टास्क क्रिएट करने से पहले वी हैव टू नो द एक्टिविटीज कि कौन से काम हमें करने हैं, राइट। तो पहला बेसिक काम कौन सा रहता है हमारा, हमें क्या करना है, साइट परचेस करना है। ओके, सो आई विल टाइप द साइट परचेस हियर। देन क्या करते हैं, हम उस साइट का क्लीनिंग कर दे। अभी क्या है ना, क्या है देखो ना, जो भी शेड्यूलिंग का जो काम है ना, जो भी हमें शेड्यूल करना है टास्क, शेड्यूल क्यों करना है एक्चुअली, क्योंकि वी नो कि बहुत सारे काम रहते हैं। अगर
हर एक काम को हम खुद से अगर बाय यूजिंग आवर माइंड अगर हम शेड्यूल और करते रहेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। और कंपनी का जो मेन पर्पज है कि हमें प्लान क्यों करना है, मैनेजमेंट क्यों करना है प्रॉपरली, क्योंकि हमें जो प्रोजेक्ट है ना विद इन टाइम, मतलब ऑन टाइम और ऑन बजट कंप्लीट करना है। अगर ऑब्वियसली अगर हमारा काम डिले हुआ तो क्या होगा, हम जाएंगे ओवर बजट, कंपनी जाएगी ओवर बजट और कंपनी को वहां पे लॉस, और हर एक कंपनी लॉस में नहीं जाना चाहती। सो फॉर दैट रीजन वी नीड द प्रॉपर मैनेजमेंट। ओके, तो उसी के लिए हमें क्या करना है, एमएफसी सॉफ्टवेयर यूज करना है। ओके, तो डिले कैसे नहीं होगा जब हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाएंगे। ऑब्वियसली डिले भी हो सकता है, बट उसमें भी हम कैसा सोल्यूशन निकालते हैं बाय यूजिंग दिस डाटा, दैट्स इम्पोर्टेंट। ओके, और हम कर सकते हैं बस एमएसपी सॉफ्टवेयर में। ओके, अब शेड्यूलिंग के लिए दो मेथड्स है, दैट इज मैनुअल शेड्यूल और ऑटो शेड्यूल। इसमें डिफरेंस क्या है एक्चुअली, ऑटो शेड्यूल मतलब हम अगर पूरे टास्क अगर हम क्रिएट करेंगे और हर एक टास्क को ड्यूरेशन देंगे, बस आपको क्या करना है, फर्स्ट टास्क को स्टार्ट डेट देना है, देन जो पूरे जो आपके रिमेनिंग टास्क है ना वो ऑटो शेड्यूल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। बट अगर हम मैनुअल शेड्यूल करेंगे तो क्या होगा, हर एक टास्क का स्टार्ट डेट आपको देना है, मतलब हर एक टास्क का। इसमें थोड़ा टाइम आपका जा सकता है, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड। सो फॉर दैट रीजन वी यूज द ऑटो शेड्यूल टेक्निक। यस, ऑटो शेड्यूल करो यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे जो सिंबल है ना वो भी मैनुअल शेड्यूल का है, सो मे विल मेक इट ऑटो शेड्यूल। राइट, अब साइट परचेस के बाद क्या करना है हमें, हम तो क्या करेंगे, साइट तो लिया हमने, बट अगर साइट में ऑब्स्टेकल्स है और ट्रीज है स्टोन्स है तो हमें उसका क्लीनिंग करना पड़ेगा। राइट, सो क्या करना है, हमें साइट का क्लीनिंग करना है फिर। राइट, अब क्लीनिंग तो हो गया, नेक्स्ट पार्ट कौन सा रहता है हमारा, हमारे पास तो ड्राइंग्स अवेलेबल है, लेआउट अवेलेबल है पूरा, तो हम क्या करते हैं, लेआउट करते हैं, हमें पूरा सेंटर लाइन लेआउट हम क्या करते हैं, ग्राउंड पे प्लॉट करते हैं, दैट इज आवर नेक्स्ट एक्टिविटी। टाइप करो सेंटर और लेआउट पुट करो डायरेक्टली ऐसे लेआउट करके। ओके, देन आफ्टर लेआउट हम क्या करेंगे, उसका एक्सर्वेशन करेंगे साइट पे जाकर। राइट, बाय यूजिंग द जेसीबी। सो टाइप एक्सर्वेशन, आफ्टर एक्सर्वेशन क्या करेंगे, फाउंडेशन का पार्ट रहेगा। अब फाउंडेशन भी मल्टीपल एक्टिविटीज रहती है, उसमें पहले हमें शटरिंग करना पड़ेगा, फिर हमें वहां पे स्टील प्लेस करना है, देन हमें फिर कॉन्क्रीटिंग करना है। इट्स ऑल कम अंडर द फाउंडेशन टास्क। सो यहाँ पे आई जस्ट पुट इट द फाउंडेशन सिंपली। फाउंडेशन की हम क्या बात क्या करेंगे, हम कॉलम कास्टिंग करेंगे। राइट, कॉलम कास्टिंग हो गया। राइट, कॉलम कास्टिंग के बाद हम क्या करेंगे, वहां पे प्लिन बीम करेंगे। प्लिन बीम हो गया। ओके, प्लिन बीम के बाद हम क्या करेंगे, फाउंडेशन स्लैप करेंगे। ओके, फाउंडेशन स्लैप हो गया। सो फॉर द एग्जाम्पल, जस्ट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द टास्क। सो हमने फॉर एग्जाम्पल एक आर्ट एक्टिविटीज यहाँ पे क्रिएट किया, जस्ट स्टार्ट अप द प्रोजेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट काम क्या रहेगा हमारा, ड्यूरेशंस का। अब साइट परचेस के लिए तो हमें 10 दिन तो नहीं लगेंगे, एक दिन में वो काम हो सकता है। क्लीनिंग के लिए फॉर एग्जाम्पल साइट थोड़ा बड़ा है, सो इट विल टेक 3 डेज। लेआउट, अब लेआउट के लिए भी 1 डे लगेगा, एक्सर्वेशन के लिए 2 डेज लगेंगे फॉर एग्जाम्पल। फाउंडेशन के लिए हमें करना है 4 डेज में लग जाएगा, कॉलम कास्टिंग के लिए हम 3 डेज लग रहे हैं, प्लिंथ बीम के लिए हम 2 डेज लेना है, और फाउंडेशन स्लैब के लिए हम लेंगे 1 दिन, क्योंकि स्लैब एक ही दिन में हम कास्ट कर सकते हैं। ओके, सो वी क्रिएटेड सम ऑफ द एक्टिविटीज। सो आफ्टर दैट वी कैन सी देर इज अ स्टार्ट डेट हियर। सो स्टार्ट डेट में ऑब्वियसली हर एक टास्क स्टार्ट डेट हो सकता है। ओके, बट वी कैन सी देर इज अ कॉमन डेट बिटवीन ऑल द एक्टिविटीज। एक ही कॉमन डेट, दैट इज 25th of July। मतलब हर एक टास्क सेम डे पे स्टार्ट हो रहा है, बट इट्स नॉट पॉसिबल। आपको इट इज पॉसिबल, आपको लगता है कि एक ही दिन में हम ये सारे टास्क कर सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, अभी क्या करना है, हमें दो टास्क में रिलेशन फॉर्म करना है। अभी आता है हमारा रिलेशन का। तो रिलेशंस कौन से होते हैं? ओके, तो रिलेशंस के 4 टाइप्स है मेन। पहला जो मेन रिलेशन है, दैट इज फिनिश टू स्टार्ट। फिनिश टू स्टार्ट मतलब क्या होता है, एक टास्क फिनिश होने के बाद नेक्स्ट स्टार्ट, नेक्स्ट जो हमारा वर्क रहेगा वो स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज फिनिश टू स्टार्ट। ओके, अभी जो कॉमन रिलेशन है ना सब में, वो कॉमन रिलेशन है, दैट इज स्टार्ट टू स्टार्ट, मतलब सारी एक्टिविटीज एक साथ ही स्टार्ट हो रही है, दैट इज यस यस कहते हैं हम उसे, स्टार्ट टू स्टार्ट।
ओके, देन नेक्स्ट रिलेशन है दैट इज फिनिश टू फिनिश, मतलब दो एक्टिविटीज एक साथ खत्म होगी अगर कभी भी स्टार्ट हो रही है तो। और लास्ट जो रिलेशन है जो मोस्टली यूज नहीं होता उसका, बट विल एक्सप्लेन, दैट इज स्टार्ट टू फिनिश, मतलब जो हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी ना जब उसका स्टार्ट डेट रहेगा उसके प्रीवियस और नेक्स्ट एक्टिविटी का वो फिनिश डेट होना चाहिए। दिस इज अ रेयर रिलेशन। ओके, सो विल सी कि उसमें रिलेशन कैसे फॉर्म करना है। सो यू कैन सी इन बार चार्ट, हर एक टास्क यहाँ पे 25 जुलाई को मंडे को स्टार्ट हो रहा है, मतलब कल के दिन। ओके, कल से ही हमारा क्या हो गया, प्रोजेक्ट यहाँ पे शेड्यूल हो चुका है क्योंकि आज तो संडे, आज तो काम स्टार्ट नहीं होगा। ओके, सो देर इज अ टर्म कॉल्ड प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर टू डिफाइन द रिलेशन बिटवीन द टास्क। वी हैव टू यूज द प्रेडेसेसर्स मोस्टली, ऑल्सो समटाइम्स सक्सेसर। अब प्रेडेसेसर मतलब क्या रहता है, दैट इज प्रीवियस एक्टिविटी। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, राइट, अभी जो हमारे पीएम है दैट इज नरेंद्र मोदी, उनका प्रेडेसेसर कौन था, दैट इज डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि वो प्रीवियस थे उनके, राइट, ये हो गया उसका प्रेडेसेसर्स। देन कम टू द आवर प्रैक्टिकल नॉलेज, दैट इज प्रैक्टिकल एक्टिविटीज। अभी हमारा पहला टास्क कौन सा है, दैट इज साइट परचेस है। अब साइट परचेस का प्रीवियस एक्टिविटी कौन सा है क्या, नहीं हमें तो नहीं मालूम, हमें तो पहला काम हमने क्या किया, साइट को परचेस किया। देन द सेकंड एक्टिविटीज दैट इज साइट क्लीनिंग। अब साइट क्लीनिंग का जो प्रेडेसेसर है ऑब्वियसली साइट परचेस रहेगा प्रीवियस एक्टिविटी, मतलब साइट परचेस के बाद ही हम क्या करेंगे, साइट क्लीनिंग स्टार्ट कर देंगे। अभी जो साइट परचेस है कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, 25 जुलाई, बट वो कब स्टार्ट होना चाहिए, 26 जुलाई, क्योंकि एक दिन का ड्यूरेशन है साइट परचेस को। तो क्या करना है, सिंपली प्रेडेसेसर कॉलम पे आ जाओ। ओके, अब साइट परचेस का टास्क आईडी कौन सा है, जस्ट वन है, राइट, तो हमें क्या करना है, जस्ट यहाँ पे वन पुट करना, टास्क आईडी पुट कर दो बस, एंड जस्ट नीचे क्लिक कर दो। सो यू कैन सी नाउ यहाँ पे टास्क कैसे शिफ्ट हो चुका है नेक्स्ट डे को, और कैसे वहां पे स्टार्ट डेट भी फिनिश हो चुका है और चेंज हो चुका है। ओके, अगेन लेआउट का प्रीवियस एक्टिविटी कौन सा है, साइट क्लीनिंग है, उसका टास्क आईडी क्या है, दो है, पुट कर दो। अगेन सेम नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए 3 करना है, देन अगेन 4 करना है, 5 करना है, 6 करना है, क्योंकि एक कॉमन रिलेशन हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं उसमें एक कॉमन रिलेशन, मतलब दैट इज फिनिश टू स्टार्ट, मतलब एक टास्क फिनिश होने के बाद ही क्या होगा, नेक्स्ट स्टार्ट स्टार्ट होगा, राइट। तो वी कैन सी नाउ हमारा स्टार्ट इस मंडे को हो रहा है और हमारा जो फिनिश है ना फ्राइडे को, मतलब 12th ऑगस्ट को हमारा ये प्रोजेक्ट क्या होगा, एंड हो जाएगा, मतलब एटलीस्ट फाउंडेशन स्लैब वहां तक होना चाहिए हमारा। दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट, मतलब हम आज बैठकर फ्यूचर का पूरा प्लान कर रहे हैं, शेड्यूल कर रहे हैं। अब आपको तो मालूम है जहां पर भी बड़ी बड़ी सोसाइटीज अब बन रही है कितना टाइम लगता है उसके लिए, 2 ईयर्स 3 ईयर्स 5 ईयर्स। तो हमें अगले 3 4 साल का यहाँ पे शेड्यूल फॉर्म करना है, राइट। ओके, ये तो हो गया रिलेशन। अब इसमें भी मैंने कहा था कि रिलेशन से दैट इज स्टार्ट टू स्टार्ट। अब हमें क्या करना है, साइट परचेस के दिन ही साइट क्लीनिंग स्टार्ट करना, मतलब स्टार्ट टू स्टार्ट। तो मैंने सिंपली क्या करना है, 1 SS करना है बस। देखो यहाँ पे ये पूरा मैनेजमेंट का पार्ट है एक्चुअली, अगर आपको कॉलेज में हो चुका है मैनेजमेंट सब्जेक्ट में, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है थ्योरेटिकली, बस वही हमें क्या करना है, प्रैक्टिकली देखना है और सॉफ्टवेयर में देखना है एक्चुअली प्रैक्टिकल में कैसा होता है और सॉफ्टवेयर में हम उसे कैसे रन कर सकते हैं। ओके, सो आई जस्ट पुट इट हियर दैट इज SS, मतलब स्टार्ट टू स्टार्ट। ओके, देन हमें क्या करना है, दोनों टास्क एक साथ स्टार्ट करने, तो मैंने यहाँ पे रिलेशन चेंज किया उसका, दैट इज स्टार्ट टू स्टार्ट। ओके, गॉट इट। बट हमें क्या करना है, हमने साइट परचेस किया बट क्या हो गया कि वह कुछ इमरजेंसी की वजह से हमने क्या करना है, 2 दिन बाद हमें क्या करना है, साइट क्लीनिंग स्टार्ट करना है 2 दिन बाद। जस्ट सिंपली क्या करना है, जस्ट प्लस डालो यहाँ पे और 2 डालो और जस्ट एंटर करो। सो वी कैन सी नाउ यहाँ पे कैसे वो टास्क यहाँ पे अगले 2 दिन के लिए शिफ्ट हो चुका है। पहले तो साथ में स्टार्ट करे थे ना, बट ए दिन और ए दिन वो 2 दिन में शिफ्ट हो चुके, हमने अभी क्या पुट किया है, दैट इज +2 डेज। ओके, इसे कहते हैं हम लैग। सो दिस आर द रिलेशन बिटवीन द टू टास्क, कैसे हम रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं। देन अगेन नेक्स्ट टास्क मैंने कहा था, नेक्स्ट रिलेशन का मैंने कहा था दैट इज फिनिश टू फिनिश, कि दो टास्क अगर हमें साथ में फिनिश करना है। सो यहाँ पे जस्ट एन एग्जाम्पल, लेआउट और एक्सेप्शन हमें सेम दिन में क्या करना है, फिनिश कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अगर लेआउट हम मॉर्निंग में खत्म करेंगे और एक्सेप्शन हम इवनिंग तक खत्म करेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा वर्किंग करके, तो हमें क्या करना है, 3 EFF यहाँ पे पुट करना है बस सिंपली। सो यू कैन सी नाउ यहाँ पे दोनों भी टास्क सेम डे पे ही क्या हो रहा है, एंड हो रहा है।
दैट्स हाउ इट इज. हम क्या कर सकते हैं, एक्टिविटीज में रिलेशंस फॉर्म कर सकते हैं. ओके, इट्स वेरी इजी. बस हमें थोड़ा फील्ड का नॉलेज होना है, प्रैक्टिकली सोचना है पूरा. बस हमें सॉफ्टवेयर ही नहीं सीखना है, हमें प्रैक्टिकली सोचना है पूरा, कि बस बैठ गए और सॉफ्टवेयर भी पूरा फिल करना है. हमें प्रैक्टिकली सोचना है पूरा कि हाँ ऐसा कर सकते हैं क्या, हमारे पास उतना रिसोर्स है अवेलेबल नहीं है. ओके, सो बैक स्पेस अगेन आई विल पुट इट द 3. ओके, अगेन कॉमन रिलेशन आ चुका है, दैट इज फिनिश टू स्टार्ट. ओके, सो आफ्टर दैट हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट का टोटल ड्यूरेशन फाइंड आउट करना है. ओके, सो फॉर दैट जस्ट गो टू द फॉर्मेट, प्रोजेक्ट समरी टास्क पे क्लिक करो, हमें टोटल ड्यूरेशन आ जाएगा प्रोजेक्ट का. ओके, इसे हम कहते हैं रिलेशनशिप डायग्राम, और बार चार्ट भी कहते हैं हम उसे. अब एक्चुअल में मालूम पड़ता है कि कौन सा टास्क कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और कौन सा टास्क कहाँ पे एंड हो रहा है. ओके, तो ओके, सो नेक्स्ट हमें एक फ्लो चार्ट भी क्रिएट होता है उसका, जिसे हम कहते हैं नेटवर्क डायग्राम. जस्ट गो टू द टास्क, इन गैंट चार्ट देयर इज ऑप्शन कॉल्ड नेटवर्क डायग्राम, फ्लो चार्ट कहते हैं हम उसे. अभी पूरा एक्टिविटी का नाम रहेगा, स्टार्ट डेट, फिनिश डेट. ओके, ये देखो. ओके, अगेन गो टू द गैंट चार्ट. सो ये हो गया हमारा अबाउट द रिलेशंस. अभी इसमें एक मोर एक इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज क्रिटिकल टास्क. व्हाट इज मीन बाय क्रिटिकल टास्क, क्या होता है एक्चुअली क्रिटिकल टास्क. अगर इफ यू स्टडीड द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट इन आवर कॉलेज, ड्यूरिंग द कॉलेज, एटलीस्ट वी हैव सम आइडिया कि एक्चुअली क्रिटिकल टास्क क्या होता है. बट आई विल एक्सप्लेन कि एक्चुअली क्रिटिकल टास्क होता क्या है. सो अबाउट द क्रिटिकल टास्क, आई वांट टू से कि ऐसे टास्क जिसे हम सॉरी जिसे हम डिले नहीं कर सकते. अगर वो टास्क डिले हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, हमारा होल प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा. मतलब एक सीरीज फॉर्म होता है, मतलब हर एक टास्क पिछले टास्क पे डिपेंड रहेगा. अगर हम एक टास्क डिले करेंगे तो क्या होगा, अगले सारे टास्क डिले हो जाएंगे. तो उसे कहते हैं प्रायोरिटी टास्क, कि उस टास्क को हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंस देना है, उसे हमें डिले नहीं करना है. मतलब उसका जो स्टार्ट डेट है उसी दिन स्टार्ट करना है, और जो फिनिश डेट है उसी दिन हमें क्या करना है, उसे फिनिश करना है. तो यहाँ पे पहचाने कैसे कि एक्चुअली क्रिटिकल टास्क कौन से. वी नो कि हमने यहाँ पे सॉरी यहाँ पे टाइप किया है, दैट इज साइट परचेज, साइट क्लीनिंग, लेआउट हो गया, एक्सकवेशन हो गया, फाउंडेशन हो गया. ओके, तो हमें क्या करना है कि इसमें ढूंढना है एक्चुअली क्रिटिकल टास्क कौन सा है यहाँ पे. ओके, तो अब आई वॉन्ट टू नो कि यहाँ पे क्रिटिकल टास्क कौन से. अब इसमें एक कॉमन रिलेशन है, दैट इज स्टार्ट टू फिनिश, सॉरी फिनिश टू स्टार्ट. मतलब जब तक हमारा प्रीवियस टास्क फिनिश नहीं होगा, तब तक हमारा नेक्स्ट टास्क स्टार्ट नहीं होगा, राइट. तो अगर इसमें हम एक भी टास्क डिले करेंगे तो क्या होगा, पूरा होल प्रोजेक्ट हमारा डिले हो जाएगा, राइट. तो आई विल गो टू द फॉर्मेट. ओके, इन फॉर्मेट देर इज ऑप्शन कॉल्ड क्रिटिकल टास्क, उस पे मैंने क्लिक कर दिया. सो यू कैन सी नाउ यहाँ पे पूरा रेड दिख रहा है. रेड मतलब डेंजर, इसे हम डिले नहीं करना है. जो भी टास्क है ना, क्योंकि एक कॉमन रिलेशन है सब में, दैट इज फिनिश टू स्टार्ट. अगर ये भी टास्क हम डिले करेंगे तो हमारा होल प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा. दैट्स नॉट द कंपनी वॉन्ट. ओके, तो जो भी हमारी क्रिटिकल टास्क रहेंगे, क्या करना है हमें, उसे प्रायोरिटी लेना है, उसे हमें उसी दिन स्टार्ट करना है. जो उसका फिनिश डेट है उसी दिन हमें उसे फिनिश करना है, कुछ भी करके, राइट. सो इट्स अबाउट अ क्रिटिकल टास्क. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू सी, दैट इज डब्ल्यूबीएस. व्हाट इज मीन बाय डब्ल्यूबीएस. ओके, डब्ल्यूबीएस क्या होता है, डब्ल्यूबीएस मीन दैट इज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर. मतलब हमारा जो बड़ा प्रोजेक्ट है ना, होल प्रोजेक्ट, उसे क्या करना है, हमें स्मॉल स्मॉल पीसेस में उसे क्या करना है, डिवाइड करना है. इससे क्या हो जाएगा, इट्स इसमें अंडरस्टैंडिंग थोड़ा इजी हो जाएगा हमें, कि यार हाँ मेन टास्क कौन सा था. फॉर एग्जाम्पल हमें फाउंडेशन करना है, कौन सा, यहाँ पे हमें फाउंडेशन करना. तो फाउंडेशन में फाउंडेशन ही मतलब उसमें बस फाउंडेशन करना मतलब एक ही काम नहीं है, उसे हमें एक्सकवेशन करना है, फिर शटरिंग करना है, फिर हमें स्टील प्रोवाइड करना है, फिर हमें चेकिंग करना है पैरामीटर्स कि स्टील प्रॉपरली यहाँ पे प्लेस हुआ है नहीं हुआ है, देन फिर कॉन्क्रीटिंग करना है, देन हमारा फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगा. तो इसे क्या करना है, जो मेन टास्क है ना, और मेन टास्क में कुछ सब टास्क रहते हैं, उसे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है. उसे हमारा प्रोजेक्ट स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड करना है, उसे कहते हैं हम डब्ल्यूएस, दैट इज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर. ओके, सो जस्ट डब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे डबल क्लिक करो और डब्ल्यूएस टाइप कर दो यहाँ पे, और एंटर करना है.
ओके तब पे डब्ल्यूबीएस आ चुका है, अभी तो कोर्स तो नहीं है अभी अवेलेबल। ओके सो विल मेक इट सम कोर्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज फिर से क्रिएट करते हैं। ओके सर टेक वन एग्जांपल, ऐसे हम थोड़ा डिलीट करते हैं। ओके यस एक पापर है, हम प्रोजेक्ट बना लेते हैं अभी। ओके इसे थोड़ा ऑफ करते हैं हम टास्क नेम। ओके आई विल ओपन वन एग्जांपल कि एक्चुअली डब्ल्यूबीएस कैसे फॉर्म करना है। इट्स वेरी इजी, ओके सो एक एग्जांपल है यहाँ पे दैट इज कॉल्ड यूजिंग द फर्स्ट फेज एक्चुअली एक प्रोजेक्ट का। ओके तो उसमें क्या करना है, बस एक आई पुट द एक्टिविटीज। यहाँ पे क्या करना, मैं टाइप करता हूँ पट जट से। अभी फर्स्ट पेज में एक्टिविटी कौन सा है, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। ओके देन नेक्स्ट हमें स्टार्ट करना है, स्टार्ट के बाद हमें प्रोडक्ट लॉन्च करना है। जस्ट एक एग्जांपल है, प्रोडक्ट एंड बेनिफिट समथिंग। देन नेक्स्ट मेन एक्टिविटी प्रोजेक्ट प्रपोजल। एंड अप्रूवल। देन उसमें हमें प्लान करना है। देन स्कोप स्टेटमेंट करना है उसमें। वर्क प्लान करना है। देन कॉन्ट्रैक्ट। देन उसकी वे प्लान है उसका। देन रिस्क प्लान, प्रोजेक्ट प्लान एंड अप्रूवल। अपना एग्जीक्यूट एंड देन एंड। या एक एग्जाम्पल टाइप किया हमने जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। अभी फर्स्ट पेज उसमें एक टाइटल है उसे डायरेक्ट जोड़ रहेगा, ड्यूरेशन।